नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। फाइनली जिसका बहुत दिनों से वेट चल रहा था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है और जियो एयर फाइबर आपको अब कब से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये है, तो 19 सितंबर 2023 से ये आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और किस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसमें किस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिली है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो डायरेक्टली रेगुलर अपडेट के लिए, जिसमें कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि क्या नया अपडेट आएगा रिलायंस जियो AGM 2023 में। तो फाइनली एक क्लियर डेट मिली कि जियो एयर फाइबर गणेश चतुर्थी को, मतलब 19 सितंबर 2023 में ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, दिल्ली मुंबई जैसी, मतलब एयरटेल जैसी कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। और ज़्यादातर जहाँ पे आपको मतलब बात की जाए तो जियो ट्रू 5G नेटवर्क मिल रहा है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली बुक कर पाएंगे। और सो इजी वे रखा है बुक करने का, तो सबसे पहले आप माई जियो एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्टली इस तरीके से बुक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट है। मैक्सिमम लोग माई जियो एप्लीकेशन का यूज़ करते होंगे जो स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है। तो डायरेक्टली आप बुक कर सकते हैं और jio.com पे भी जाके आप वेबसाइट पे वहाँ पे बुक कर सकते हैं। और ये आपको डायरेक्टली, मतलब कहीं जाने वाने की ज़रूरत नहीं है, आपको होम डिलीवरी फ्री दिया जाएगा। मतलब इसकी जो कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी होगी, डिलीवरी चार्ज जो रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा। और जिस तरीके से जियो ने रिप्रेजेंटेशन की है, तो मेनली हमें देखने के लिए मिलता है कि 700 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज पर ही ये वर्क करेगा। 26 गीगाहर्ट्ज जो है वो स्पेशली जियो फिक्स एयर फाइबर स्पेशली बिजनेस पर्पस के लिए रखा गया है, तो वहाँ पर वो रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है 26 गीगाहर्ट्ज पे। और बात करी जाए तो जितने जियो ने अपने जियो एयर फाइबर चेंज किए हैं, मतलब स्पेशली बात करी जाए तो पूरा फिजिकली चेंज किया है प्रोडक्ट को, तो फर्स्ट जो लुक था हमें, मतलब रिलायंस AGM 2022 का, वो ये देखने के लिए मिला था कि हाँ यही हमें फाइनल तौर पे जियो एयर फाइबर देखने के लिए मिलेगा। फिर बीच में एक और ऑफिशियल वीडियो इंट्रोड्यूस की गई जिसमें कि ये लुक देखने के लिए मिला कि अरे ये तो यहाँ पे लुक ही चेंज हो गया, शायद ये नया देखने के लिए मिलेगा। फिर फाइनल लुक जो है, उम्मीद है, मतलब मुझे है कि यही आपको इस बार प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो जो अलग अलग प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखाया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल लुक, ये तो यहाँ पे उम्मीद यह है कि जियो भी पोर्टेबल एंड फिक्स डिवाइस लेके आएगा, जिसमें कि जियो एयर फाइबर की बात करी जाए तो स्पेशली ये जो डिवाइस है वो कुछ लुक आपको बिल्कुल ही डिफरेंट दिखाई देता है एज़ कंपेरिजन प्रीवियस के मुकाबले, क्योंकि इमेज जो है वो बिल्कुल ही न्यू इंट्रोड्यूस की गई है। तो यहाँ पे रखेंगे, मतलब आप देखेंगे इसकी और डिटेल लेके आएंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि एक्चुअली किस तरीके से यूजेबल है और क्या क्या इसमें आपको फैसिलिटी मिलती है। बट फ्रंट लुक आपको कुछ ये देखने के लिए मिलता है और डोर स्टेप का लुक आपको कुछ डिब्बे का ये देखने के लिए मिलता है। जितनी इन्फॉर्मेशन आती है आपको रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, तो अभी इसका प्राइस डिस्क्लोज नहीं किया है, जैसी कहीं ना कहीं से लीक आई जाएगी, क्योंकि अब फाइनली 19 सितंबर 2023 को लॉन्च करना है, तो अपडेट और प्राइस जल्दी देखने के लिए मिलेंगे। और एप्लीकेशन मतलब अपडेट कर दी गई है, बस अभी पब्लिक ही लॉन्च नहीं की गई है, ये इंटरनल तौर पे देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे जल्दी आपको माई जियो एप्लीकेशन का भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आप डायरेक्टली बुक कर पाएंगे। 19 सितंबर फाइनल है, तो कुछ नई चीज़ें और नए प्रोडक्ट भी हैं जिसमें कि रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ में बहुत कुछ नई चीज़ें लॉन्च की गई हैं, बैक टू बैक आपको लगातार देखने के लिए मिलती रहेंगे चैनल पर। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।